हेलो फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल्स गुम है किसी के प्यार में हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ प्रोमो जारी हो गया है वसई और विराट के हनीमून का। लेकिन एक बहुत ही बड़े ट्विस्ट के साथ पत्रलेखा का पास्ट प्रवृत्ति अब यहाँ पर लौट आया है और ये अतीत अब पूरे का पन्नों को खोल के रख देगा पत्रलेखा के। पत्रलेखा के सारे राज सर के सामने आ जाएंगे। सम्राट यहाँ लौट आया है और सम्राट विराट और सई के साथ लौटेगा घर। यहाँ दोस्तों हनीमून पर विराट और सई के सामने आएगा सम्राट और उन्हें लेकर सम्राट को लेकर विराट लौटेगा घर। और यहाँ पर जैसे ही सई और विराट आएंगे सब लोग शॉक्ड हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही सम्राट सामने आएगा पत्रलेखा के चेहरे के हाव भाव ही बदल जाएंगे। सम्राट को सामने देखकर मानसी तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी क्योंकि एक साल बाद उसका बेटा घर लौटा है और उसकी दुआएं काम लाई और अब वो वापस लौट आया है। लेकिन यहाँ पर पत्रलेखा जिसके रंग हर उसके चेहरे के रंग देखकर सम्राट कहता है तुम तो मुझे देखकर खुश हो या शॉक्ड हो। और विराट सम्राट को जिस तरह से पत्रलेखा देख रही होती है उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और वो बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही है। सम्राट कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे शिकायत है। लेकिन यहाँ पर उसे सब पता है कि पत्रलेखा आखिर ऐसा क्या कह करना चाहती है और आखिर वो क्यों इस तरह बिहेव कर रही है। उसके चेहरे पर सारी लकीरें साफ बयां कर रही होती है उसके दिल की दास्तां। यहाँ पर सई और विराट को भी यहाँ पर इन दोनों को देखकर शॉक हो जाते हैं और पत्रलेखा बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आती। और सबको पता होता ही है कि पत्रलेखा के दिल में क्या चल रहा होता है। तो भाई सम्राट फैसला कर लेता है और कह देता है कि अब मैं उस पत्रलेखा से तलाक लेना चाहता हूँ और वो अपनी अंगूठी विराट के हाथ में थमा देता है और पत्रलेखा को बहुत ही तगड़ा झटका देता है और सबके सामने कह देता है कि मैं उस रात क्यों गायब हो गया था। और सबके सामने पत्रलेखा की पूरी पोल खोल के रख देता है। तो काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ शो आ गया है और अब काफ़ी नए ट्रैक के साथ में कहानी एक बार फिर से नए तरीके से शुरू होगी। देखना है कि विराट किसका हाथ थामता है।